बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू डॉक्टर खुशबू के नाम चैनल। हमारी वीडियो है फैमिला 28F। बिफोर स्टार्टिंग अवर वीडियोस, वी वांट टू टेल यू दीज मेडिसन्स आर नॉट फॉर सेल्फ टेकन, ओनली फॉर इंफॉर्मेशन फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स। ओके, आपने ये दवाइयाँ खुद नहीं लेनी until डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब्ड ना कर दें, ठीक है, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जी। वीडियो देखते हैं, हमारे पास फैमिला 28F। इसमें आपके पास दो हार्मोन्स हैं, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। इसको हम कंबाइंड औरल कंट्रासेप्टिव पिल्स भी बोलते हैं, बिकॉज कम्बिनेशन इज एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का। जो नेचुरली अकरिंग प्रोजेस्टेरोन है, ठीक है, और जो सिंथेटिक है वो आपके पास लिवोनॉर्गेस्टेर, नेचुरली अकरिंग एस्ट्रोजन और उसका सिंथेटिक एथिनाइल एस्ट्राडियोल जी। ये आपके पास लो डोज है, इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की क्वान्टिटी बहुत कम होती है। वो तो कितनी कम होती है ये देखिए, आपके पास शो हो रही है 0.15 mg आपके पास लिवोनॉर्गेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन की सिंथेटिक फॉर्म और एस्ट्रोजन की सिंथेटिक फॉर्म 0.03 mg। हम यूजेस देखें कि हमने इसको इस्तेमाल क्यों करना है। ये बर्थ कंट्रोल की पिल्स होती हैं, प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी से बचाती हैं। किन किन पेशेंट को आप रिकमेंड नहीं कर सकते, कंट्रा इंडिकेशन है, जिसको वेंस का प्रॉब्लम हो, डी वेन थ्रोम्बोसिस हो, ठीक है, हार्ट के प्रॉब्लम्स वाले पेशेंट को, और जिनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं रहता उन वाले पेशेंट को आप रिकमेंड नहीं कर सकते, और डायबिटीज़ वाले पेशेंट, शुगर का मरीज जिनको वैसे इसका प्रॉब्लम होना शुरू हो रहा है, ठीक है, उन्हें हार्ट प्रॉब्लम वगैरह या आइस का प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो रहा है उनको नहीं आप रिकमेंड कर सकते। जिसको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, बॉडी का किसी एक पार्ट की सेंसेशन वीक हो रही है या एक पार्ट अपना फंक्शन करना छोड़ रहा है, उसमें आप रिकमेंड नहीं कर सकते। लाइक एबनॉर्मल जेनिटल ब्लीडिंग जिनको हो रही है, और नर्सिंग मदर्स को, और जिनका इनसे हाइपर सेंसिटिविटी है, इनको आप रिकमेंड नहीं कर सकते। आपने मेडिसिन रिकमेंड करने से पहले पेशेंट की हिस्ट्री लेनी है, इनमें से कोई भी एक प्रॉब्लम है तो आप रिकमेंड उसको नहीं कर सकते जी। अगर हम इसके बाद डोज की बात करें, ये इस तरह आपके पास फॉर्म में है, ठीक है, और ये आपके पास सर्कल्स की फॉर्म में भी होती है। इसके अंदर 21 टैबलेट जो हैं वाइट कलर की हैं और 7 टैबलेट जो हैं ब्राउन कलर के, टोटल कितनी हुई आपके पास 28 जी। आपने स्टार्ट कहाँ से करना होता है, आपने वाइट टैबलेट से स्टार्ट करना होता है, ठीक है, और ब्राउन टैबलेट्स पे आके आपने एंड करना होता है। इसको आपने लेना कब है, मेंस्ट्रुअल साइकल्स के पीरियड्स के फर्स्ट डे से हम इसको स्टार्ट करते हैं, कुछ डॉक्टर सेकंड डे से भी रिकमेंड करते हैं और सब डॉक्टर थर्ड डे से भी रिकमेंड करते हैं, ठीक है। आपने इसको स्टार्ट करना है, फर्स्ट डे से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं इसको, 28 डेज तक आपने इसको लेना है। और जब आपके पीरियड्स के डेज स्टार्ट हो जाएंगे मेंस्ट्रुअल साइकल्स में, आपने ये आयरन की टैबलेट्स लेनी है। इसी वजह से इसके साथ एफ भी है अटैच। एफ का मतलब है इधर आपके पास आयरन है, वो कौन सी आयरन है, वो आपके पास लिखी हुई है फेरस फ्यूमेट, ठीक है, तो ये आपके पास आयरन की टैबलेट्स इंक्लूड होती हैं, 7 डेज में हम लेते हैं मिनिस्टर पीरियड्स के जी। इंस्ट्रक्शन टू यूज़ करने की कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है, आपने वाइट टैबलेट से स्टार्ट करना है, और ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, ये इसके पीछे एरो लिखा हुआ होता है, ये आपके पास आप देख सकते हैं एरो के नीचे कि आपने इसके बाद कहाँ जाना है, ठीक है, ये देखें किस तरह हम मूव करना है, ये सारे एरो पीछे आपके पास लिखे हुए होते हैं। डायरेक्शन में आपको पता लग गया यूज़ की। कंटिन्यू यूजिंग, आपने मुसलसल से इसको इस्तेमाल करना है, एक दिन भी आपने इसको मिस नहीं करना,
पूरे 28 दिन आपको आप इसको यूज़ करेंगे। अगर आप ब्राउन टैबलेट छोड़ देते हैं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आपने वाइट टैबलेट नहीं मिस करनी जी। एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकते हैं आपके पास? स्टमक अपसेट हो सकता है, डाई हो सकती है और स्पॉटिंग ब्लीडिंग वगैरह हो सकती है। अगर ये प्रॉब्लम सीवियर हो जाए तो उसी टाइम आपने मेडिसिन को रोक देना है और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अगर फॉर एग्जांपल कोई फीमेल इसको टैबलेट को मिस कर दिया है, उसे नहीं याद रहा कि मैंने टैबलेट लेनी थी और नहीं ली, ठीक है, नेक्स्ट डे उसे याद रहता है, जिस टाइम उसे याद रहेगा, ठीक है। और आपको मैं आपको इससे पहले ये बताती चलूँ कि आपने इसको लेने के टाइम एक फिक्स रखना, नाइट पे फिक्स कर लें तो प्रेफरेबल है, ठीक है, वरना आप डे किसी टाइम में भी ले सकते हैं, शाम को खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं, रात के खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं। आपने फिक्स किया हुआ था नाइट का टाइम और आपको भूल गया, नेक्स्ट डे आपको मॉर्निंग में याद आया, अब आपको क्या होगा, मॉर्निंग में आपने एक टैबलेट लेनी है और नाइट का जो टाइम फिक्स किया हुआ था एक टैबलेट तब भी लेनी है, यानी कि मिस वाली टैबलेट आपने उसी टाइम लेनी है जब आपको याद आ जाए, ठीक है। इस जी अगर कोई फीमेल्स टू डेज लेना भूल गई है, टू कंजक्टिव डेज भूल गई है, ठीक है, तो क्या करेगी, जिस टाइम उसे याद आएगा वो टू टैबलेट्स ले लेगी और उसके नेक्स्ट डे अगले दिन अपने फिक्स टाइम पे टू टैबलेट्स ले लेगी, ठीक है। तो ये हो तो क्या इशू रिजॉल्व। तो ये भी तो केस हो सकता है ना कि थ्री डेज हो सकता है वो मिस हो गया, उसको थ्री डेज उसको नहीं रहा याद लेना, तो इस केस में क्या है कि आपने जो पैक इस्तेमाल कर रहे थे ना ये आपने ख़त्म कर देना, नया पैक लेने और फर्स्ट वाइट टैबलेट्स आपने स्टार्ट कर देना जी। थर्ड तीन टैबलेट्स के मिस का तरीका लिखा हुआ है और आपने एक नोट याद रखना, अगर हैवी डायरिया हो गया या वॉमिटिंग ज़्यादा आ रही है, ठीक है, तो आपने फ़ौरन टैबलेट्स को रोक देना है क्योंकि उससे क्या आ रहा है, आपको हाइपर सेंसिटिविटी आ रही है, आपके लिए सूटेबल ये नहीं जी। कुछ प्रिकॉशंस हैं मैंने आपको बताया, जिन डिजीज़ में नहीं लेंगे, अगर आप लेंगे, ठीक है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम काज हो सकती हैं। जो जनरल प्रॉब्लम्स है वो हम पहले भी देख चुके हैं, स्टमक अपसेट होगा, वॉमिटिंग, स्पॉटिंग एट्सेट्रा, और वेट गेन भी हो सकता है इनके साथ, ब्रेस्ट की टेंडरनेस भी हो सकती है। कुछ तो उनको यही इशू रहता है कि अगर हम ये टैबलेट्स लेते हैं तो वेट गेन होता है जी, इसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि इससे वेट गेन होना शुरू हो जाता है। अगर कोई सर्जरी हो रही है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी पेशेंट की, तो उसे हम कहेंगे कि आपने एक महीना पहले टैबलेट लेना छोड़ देनी है और सर्जरी के बाद कितना, दो हफ्ते तक आप ये टैबलेट्स नहीं ले सकते जी। हम नेक्स्ट देखते हैं, अगर किसी फीमेल्स की डिलीवरी हुई है तो 4 to 6 weeks आफ्टर वो ये यूज़ ना करें, ठीक है, और जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं अपने बेबी को फीड करवा रही हैं तो वो भी इसको यूज़ ना करें, ठीक है, और जो स्मोकर्स हैं सिगरेट के वो भी इसको यूज़ ना करें। और ये तो सारे हो गए आपके पास कंट्रासेप्टिव्स के डिटेल्स, ठीक है, कुछ इसके यूजेज जो हैं नॉन कंट्रासेप्टिव भी हैं, कंसेप्शंस को रोकने के अलावा और भी इसके काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस हैं वो लिखे हैं आपके पास, कि लेस पेनफुल मेनस्ट्रेशन में यूज़ होते हैं और जो हैवी ब्लीड कर रहे होते हैं उनको रोकने के लिए भी ये हम यूज़ करते हैं, एनीमिया के पेशेंट के लिए और एक्नी के पेशेंट को भी हम ये यूज़ करते हैं, उसकी डिटेल्स सुनिए, मैंने आपको बताया जस्ट इसमें ओरल कंट्रासेप्टिव्स की मैंने आपको इसको डिटेल्स बताई है, ठीक है, ये सारी इसकी आपके पास ये पैकिंग है। और हमारे मेडिसिन दिखाने का हमारा मकसद ये नहीं होता कि किसी ब्रांड को हम प्रमोट कर रहे हैं, ये जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है। एक टैबलेट जो है एक फार्मूले में हज़ारों लाखों लोगों ने अपनी कंपनीज बनाई हुई हैं, वो अपने नाम से अपने कंपनी के नाम से उसको लॉन्च करते हैं, जस्ट आपको दिखाने का मतलब ये होता है कि आपके माइंड में वो चीज़ बैठ जाए, ठीक है। और जी हमारी ये वीडियो थी फेमराइड 28 ऐप पर, उर्दू में भी सारी इंफॉर्मेशन ये लिखी हुई है, जो इंग्लिश में ना पढ़ सकते हो वो उर्दू में भी इसकी बैक साइड से पढ़ सकते हैं। और कुछ लोगों का ये ख्याल है कि ये मेडिसिन इस्तेमाल करने के बाद दोबारा प्रेगनेंसी नहीं होती, ठीक है, कितने परसेंट इसके चांसेस है वो आपके पास स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके बाद प्रेगनेंसी होने के चांस जीरो हो जाते हैं। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।